जी हाँ दोस्तों, यस बन करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मनुष्य के रुधिर वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने रुधिर के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार हैं तो आप पहले पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रुधिर वर्ग पचय बी एन ए के रोग वैज्ञानिक। एक रोग वैज्ञानिक थे कार्ल लाइस्टीन ने सन 1900 में पता लगाया था कि सभी मनुष्य का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, 1900 मनुष्य में से तीन तरह के रक्त समूह की खोज की लाइस्टीन ने की थी, इसलिए रक्त समूह का पिता रक्त प्रभाव पिता कार्ल लाइस्टीन को माना जाता है, जबकि चौथा ब्लड ग्रुप ओ है जो डी क्रिस्टोले एस्ट्रेली ने 1902 में खोजा था। दोस्तों अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप में ए एवं बी और ए बी इस तरह के उन्होंने खोजा था। तो ए बी और बी ग्रुप ए कार्ल लाइस्टीन ने खोजा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ तो डी क्रिस्टोले एस्ट्रेली ने इसे सबसे पहले खोजा था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, जैसे आप देख रहे हैं रक्त समूह की अगर हम बात करें आरबीसी या हीमोग्लोबिन संबंध के बारे में बात करें तो देखो रक्त समूह का पिता जो है कौन है, कार्ल लाइस्टीन को माना जाता है। 1930 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रक्त समूह का पिता कार्ल लाइस्टीन को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कुछ समय पश्चात उन्हें रक्त पर पेटेंट हासिल कर लिया गया। सबसे पहले रक्त पर क्या किया गया, इनके द्वारा पेटेंट हासिल कर लिया गया। ठीक है, अब विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए कार्ल लाइस्टीन को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये किया गया था। ठीक है, 14 जून को। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है रक्त आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर क्या है, परिचय। 1940 में लाइस्टीनर और बीएनआर ने रिसर्च ने नए बंदर के आरुधिर ब्लड की आरबीसीएस में एक अन्य प्रकार के नए तीसरे एंटीजन का पता लगाया था, जिसने उन्होंने आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन के नाम दिया था। सबसे पहले किसने, 1940 में लाइस्टीनर और बीएनआर ने रासस ने नामक बंदर के रुधिर वर्ग का ब्लड की आरबीसी में एक अन्य प्रकार की जो है इसमें खोजा था। तो सबसे ध्यान रखिएगा एक एंटीजन का पता लगा जिसे आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम उन्होंने एंटीजन की खोज रासस नामक बंदर में खोजा था, इसलिए खोजे गए तीसरे एंटीजन का नामकरण आरएच तत्व या किया गया या आरएच फैक्टर कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगली बात हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे। तो आरएच फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, आरएच फैक्टर के आधार पर मनुष्य को दो तरह के रुधिर वर्ग बांटा गया है। एक आरएच फैक्टर पॉजिटिव, आरएच फैक्टर पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो तीसरा एंटीजन पाया जाता है, जिनका रक्त जो है जिनका रक्त आरएच सहित कहलाता है। विश्व के 97% जनसंख्या, भारत के 80% एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के 95% लोग में आरएच पॉजिटिव रक्त समूह पाया जाता है। और आरएच निगेटिव में जिनके रक्त तीसरा एंटीजन नहीं पाया जाता इनका रक्त आरएच रहित होता है कहलाता है। विश्व के 3% लगभग जो है जनसंख्या, भारत के 20% नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश लोग आरएच निगेटिव रक्त समूह पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात। आरएच फैक्टर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।